डीजे वाले बाबू, कर गई चुल और मर्सी जैसे सुपरहिट गानों के निर्माता और बॉलीवुड के जाने माने रैपर बादशाह ने एक नई कामयाबी हासिल की है। बादशाह अब दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी बनाने वाली कंपनी के ग्राहकों में से एक बन गए हैं। बादशाह ने रोल्स रॉयस की गाड़ी रैथ खरीदी है और जब से इस गाड़ी की तस्वीर बादशाह ने सोशल मीडिया पर लगाई है, लोग उनको बधाई दे रहे हैं। लगभग 10 करोड़ की कीमत वाली इस गाड़ी की तस्वीर में बादशाह का परिवार दिख रहा है। गाड़ी के बोनट पर उनकी बहन चढ़कर बैठी हुई है और कई लोग मजाक में ये भी कह रहे हैं कि लोग मारुति या सेंट्रो के बोनट पर चढ़ने से मना करते हैं और बादशाह की बहन रोल्स रॉयस के बोनट पर चढ़ गई है। बादशाह ने गाड़ी का स्वागत करते हुए इंस्टाग्राम पर तस्वीर डाली और लिखा कि परिवार में एक और नए सदस्य का आगमन हुआ है। 33 साल के रैपर बादशाह के परिवार में माता पिता के अलावा उनकी बहन और पत्नी मौजूद हैं। साल 2017 में बादशाह के घर एक बेटी का भी जन्म हुआ था और 2017 के बाद से ही बादशाह का लगभग हर गाना सुपरहिट रहा। बादशाह ने हाल ही में बॉलीवुड में अपनी पक्की जगह बना ली है और जिस तरह किसी समय हनी सिंह का गाना फिल्म में डालना अनिवार्य माना जाता था, वैसे ही अब बादशाह के गाने बिना फिल्में नहीं बनती। बादशाह की इस गाड़ी की भारत में कीमत लगभग 10 करोड़ के आसपास है और बादशाह से पहले अमिताभ बच्चन और संजय दत्त जैसे लोगों के पास रोल्स रॉयस गाड़ियां मौजूद रही हैं। रैथ नाम का ये मॉडल रोल्स रॉयस की सबसे ताकतवर गाड़ियों में गिना जाता है और मात्र 4 सेकंड में ये गाड़ी 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ सकती है। रोल्स रॉयस अपने ग्राहकों की पसंद पर गाड़ी के अंदर बदलाव भी कर देती है और हर गाड़ी का इंटीरियर दूसरी गाड़ी से अलग होता है।